हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इन्फॉर्मेशन सेंटर के सब्सक्राइबर हैं और आप पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ का 13th डे है और हमने पिछले 12 दिनों में काफ़ी कुछ सीख लिया है इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए, और इंग्लिश ग्रामर में भी टेंसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश स्पोकन का। ऑलराइट, तो अभी तक हमने टेंस सीख लिया है 12 दिनों के अंदर, और इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो सीख लिया है, और टेंस में भी जो 3 टेंस होते हैं मेन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसमें से हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस की चारों सब टाइप सीख लिए हैं। ऑलराइट, और हमने फ्यूचर टेंस के भी 2 टाइप कर लिए हैं, जो कि फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी कि काफ़ी कुछ हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो मिस आउट किया है और अगर नहीं देखा है आपने, तो उनके लिंक, सारे वीडियोज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पिछले पूरे 12 दिनों के वीडियोज़ के लिंक, वो आप ज़रूर देखिए अगर आप इंग्लिश एक्चुअली सीखना चाहते हैं। एनीवेज, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो मिस हो गया तो फिर आपका जो डाउट है इस टेंस को लेकर वो हमेशा बरकरार रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके, परफेक्ट टेंस में अभी तक हमने सीखा है पास्ट और प्रेजेंट टेंस में कि जहां भी परफेक्ट आता है वो चुका है से एंड होता है, चुका कि काम हो चुका। अब हमारा क्योंकि फ्यूचर है तो चुका होगा, चुकी होगी, या होगा या यी होगी। कैसे? जैसे उसने काम कर लिया होगा, वो जा चुकी होगी, वो चली गई होगी। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात होती है या जो क्रिया करता है जो इंसान, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ये लिस्ट मैं अभी तक आपको बोलते हुए आई हूँ सारे वीडियोस में कि आप ये याद कर लो, आई वी यू दे प्लूरल नंबर, ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने ये ऑर्डर याद कर लिया होगा। एनीवेज, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा विल, ठीक है। मैंने आपको पिछले फ्यूचर के 2 वीडियोस में, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, मैंने आपको बताया था कि शेल यूज होता था जब पिछली इंग्लिश थी, जो ओल्ड इंग्लिश, उसमें आई और वी के साथ शेल यूज होता था, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता था। बट अब मॉडर्न इंग्लिश में शेल ऑब्सोलीट हो चुका है, वो नहीं यूज होता है। तो आप बस इतना सा फॉर्मूला याद रख लो कि विल ही आना है, शेल आप, मैं शेल यहाँ पर लिख भी नहीं रही, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। कुछ लोगों को डाउट होता है कि जैसे आई वी यू दे के साथ हैव और ये हैव तो नहीं आएगा, और बाकी के, क्योंकि जब हम प्रेजेंट या पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो हम इन सब्जेक्ट्स के साथ हैज यूज़ करते हैं परफेक्ट में, राइट। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। तो वही डाउट चला आता है बच्चों के मन में और वो पूछते हैं कि क्या सब्जेक्ट अगर ही शी कोई भी नेम जैसे रोहन सोहन मोहन इस तरीके का है या सिंगुलर नंबर है तो क्या हम विल के साथ हैज आएगा क्या? तो नहीं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में विल फ्यूचर में सबके साथ, फ्यूचर परफेक्ट में विल के साथ हैव आएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गई, ओके। तो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे रोना खाना गाना, ये सारी क्रियाएं हैं, इनके 3 फॉर्म्स होते हैं। हमने पिछले परफेक्ट के जो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की हुई है कि ये इनके 3 फॉर्म्स होते हैं। जैसे गो, गो मतलब जाना, तो इसके 3 फॉर्म्स कैसे होंगे? गो वेंट फिर गॉन, ओके, गो वेंट गॉन, कम का कम, केम कम, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ईट एट ईटन, तो 3 फॉर्म्स होते हैं। तो हमें हमेशा जब भी परफेक्ट टेंस आता है तो वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही यूज होता है।
तो ये तो बहुत क्रियाएं तो अनंत होती हैं, तो वो सारे तो आप याद नहीं कर सकते हो। बट अगर आप बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट तो करना ही चाहते हैं, तो आप कम से कम 50 to 100 आप वर्ब्स अगर तीनों फॉर्म याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, अभी मैंने खाली 4 यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए आपको बताने के लिए कि तीन फॉर्म किस तरीके के होते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे राहुल सो चुका होगा, चुका होगा सीधी सी बात है, ये परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, राहुल सो चुका होगा। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से ये कैसे होगा ट्रांसलेशन, सबसे पहले राहुल, ठीक है, सब्जेक्ट, तो हमने राहुल यहाँ पे लिख लिया राहुल, फिर विल और हैव, सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल और हैव आना है, तो हम यहाँ पर राहुल विल हैव, ठीक है। सोना के लिए हम वर्ब यूज करते हैं स्लीप, और इसका थर्ड फॉर्म होता है स्लैप्ट, स्लीप स्लैप्ट स्लैप्ट, तो राहुल विल हैव स्लैप्ट। ओके, ट्रांसलेशन खत्म, बस इतना सा ही है। राहुल सो चुका होगा, राहुल विल हैव स्लैप्ट, मैं सो चुकी होंगी तो आई विल हैव स्लैप्ट, मतलब सभी वर्ब्स के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल ही यूज होगा और हैव ही यूज होगा। अब हम दूसरा जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह खाना खा चुकी होगी, होगी हम फीमेल जेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो वह के साथ शी आएगा, शी, सबके साथ विल हैव आना है, शी विल हैव। खाना जो क्रिया खाना, उसके लिए ईट वर्ब यूज होता है ईट, तो शी विल हैव ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट एट ईटन, हाँ ईट एट ईटन, शी विल हैव ईटन। इसके बाद खाना यानी जो खाना है उसके लिए हम फूड यूज करते हैं वर्ब, तो शी विल हैव ईटन फूड। ओके, ट्रांसलेशन खत्म, डन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, उसने ये खबर सुनी होगी, उसने, क्योंकि क्लियर नहीं है कि मेल जेंडर की फीमेल जेंडर, तो आप ही या शी दोनों यूज कर सकते हैं, मैं ही लिख देती हूँ, ही, सबके साथ विल हैव यूज होना है, तो ही विल हैव। सुनना के लिए यूज होता है हियर, एच ई ए आर हियर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, ठीक है, शी विल हैव हर्ड द न्यूज, खबर के लिए न्यूज यूज होता है, वर्ड आपको पता है। तो अब यहाँ पे मैंने दी क्यों यूज किया, और मैं चाहती तो नहीं करती, तो देखिए ये आर्टिकल के अंदर आता है, ए एन और दी का यूज आर्टिकल के अंदर आता है, और इन 40 डे सीरीज के अंदर हमारा एक वीडियो आर्टिकल के ऊपर भी डेडिकेटेड होने वाला है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी बेसिक इंग्लिश, और अगर अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए आगे के आप इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा ये ट्रांसलेशन तो हो गया, अब हम इसका निगेटिव बना के देखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं यानी सकारात्मक वाक्य, राइट, जो पॉजिटिव है, जिसमें नहीं का हम यूज नहीं करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो अभी तक हमने अफर्मेटिव सीखा, अब हम निगेटिव देख लेते हैं। जैसे राहुल सो चुका होगा, राहुल नहीं सो चुका होगा, इस तरीके के सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। राहुल निगेटिव का क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब वो विल रहेगा, इसके बाद आएगा नॉट। बहुत सारे बच्चों के अंदर ही कंफ्यूजन होता है कि विल हैव के बाद नॉट आएगा क्या, कि विल के बाद नॉट आएगा। तो देखिए अगर आप स्कूल लेवल पर हैं और आपको जैसे स्कूल में ग्रामर्स जैसे है ना ट्रांसलेट करना होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नॉट ऑलवेज थर्ड नंबर पे आता है, बट बोलचाल की लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस से आएगा, या आप याद नहीं कर सकते हैं कि थर्ड नंबर पर आता है तो मुझे थर्ड बोलना है, सो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट देखिए अब विल के बाद नॉट आएगा, और फिर आएगा हमारा हैव, बाकी का सब कुछ सेम रहेगा। अभी तक के टेंस पढ़ते पढ़ते आपको पता चल गया होगा कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं। ऑलराइट, तो विल के बाद नॉट, बस इसमें क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा बच्चों के लिए, बट एनीवेज इतना डिफिकल्ट नहीं है, विल नॉट हैव आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन खत्म। अब हम इसको सेंटेंस के अंदर यूज करके देखते हैं इस फॉर्मूले को कि कैसे होगा। देखिए राहुल सो चुका होगा,
राहुल विल हैव स्लेप्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? राहुल विल नॉट, विल के बाद नॉट होगा, राहुल विल नॉट हैव स्लेप्ट। ओवर। हमें विल के बाद बस नॉट यूज करना है, बाकी सारा सेंटेंस सेम होना है। अब देखिए, वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना नहीं खा चुकी होगी, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट शी विल, फिर नॉट हैव ईटन फूड। सिंपल, ओवर। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। उसने ये खबर सुनी होगी, ही विल हैव हर्ड द न्यूज। उसने ये खबर नहीं सुनी होगी, ही विल नॉट हैव हर्ड द न्यूज। ओके, सिर्फ इतना सा ही है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनना है, आपको बस विल के बाद हमेशा नॉट का यूज कर देना है। इसमें कुछ खास नहीं है, पहले अगर आई वी के साथ शैल यूज करना होता, बाकी के साथ विल यूज करना होता, फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, बट इसमें तो अब कुछ है ही नहीं। पिछले हमने जो भी फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस सीखा, सब में तो हमने यही सीखा कि सब में विल यूज करना है और बस, तो कुछ नहीं है, इट्स डन। अब देखिए, ये वाले सेंटेंसेस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। आप कोशिश करिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके, इस वीडियो से जो आपने सीखा उसको अप्लाई करके आप इनको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरीके से आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर आप कर लेते हैं तो बेस्ट है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका ट्रांसलेशन है, आप फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। इकलौती चीज़ जो आपको सीखने लायक है वो है विल है, विल नॉट या विल हैव का यूज़। इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो तो आपको जो भी आपने परफेक्ट पिछले के भी दो सीखे हैं पिछले टेंस के, उनमें भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, तो वो भी अब लिटरली ऐसी कुछ नई बात नहीं है यहाँ पर। तो लेट्स एंड द वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं वीडियो को लेकर तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम टेंस के एंड पर लगभग आ चुके हैं, हमारे टेंस के सब टाइप, सारे टाइप हमने सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। आप सारे वीडियोस देखिए, बार बार देखिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और फिर आप खुद से सेंटेंसेस बना बना कर उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप टेंस सीख जाते हैं यकीन मानिए आप बेसिक इंग्लिश आधी से ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आप बेसिक कॉमन लैंग्वेज में आप इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। सो वीडियो यूजफुल लगा तो गिव इट अ लाइक, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो यूजफुल लगा और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ अगर ये उनके लिए भी यूजफुल है तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपने इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशन और इंग्लिश बेस्ड वीडियोज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में टेंस के आखिरी टाइप के साथ, फ्यूचर टेंस के, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम फिर इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस सीखेंगे कि इंग्लिश में बातें कैसे की जाती हैं। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में विद अनदर टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।